गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने जो पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में, वो वीडियो सबको समझ में आई थी। उसमें हमने देखा था कि 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओराई होना चाहिए, प्राइमर होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए और डीएनए लाइगेज होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर तुम इतना समझ लोगे तो ये बहुत है। उसके बाद हमने देखा था कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के और दोनों पे रेप्लिकेशन होती है। एक पे कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है। कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस क्यों होती है? क्योंकि ये जैसे जैसे खुलता जाता है वैसे वैसे सिंथेसिस होती जाती है। ठीक है, इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस है। ये पूरे अलग से अलग क्यों नहीं हो जाते? इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, इतनी एनर्जी उनके पास होती नहीं है। और एनर्जी कैसे आती है? न्यूक्लियोटाइड से आती है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसमें फॉस्फोराइलेशन हो जाती है जिससे एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये खुलता जाता है तो इस तरफ होती है कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस। और दूसरा जो है वो जैसे जैसे खुलेगा, सपोज़ ये और इतना खुल गया तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिंथेसिस होएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरफ वाली क्या है? डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस। तो जिस स्ट्रैंड पे कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5-2-3- होगी। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी 5-2-3- होगी। तो जब भी तुम्हें 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स दिए जाएं तो तुम देखो कि 5-2-3- ही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जिस तरफ 3- हो वहाँ से शुरू होगी, क्योंकि 5-2-3- करनी है इसको। ठीक है, तो जहाँ पे भी 3- हो वहाँ से शुरू होगी। यहाँ पे 3- है तो इसकी रेप्लिकेशन इस तरफ प्रोसीड करेगी, और क्योंकि ये अंदर से प्रोसीड कर रही है तो इसलिए कैसी होगी? डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें बताया हुआ है कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड ऑन द टॉप इज़ 5-2-3- फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट ये 5- है, ये 3- है, ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है सबसे पहले क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की पोलैरिटी उससे अपोजिट होगी। ठीक है, ये एंटी पैरेलल होते हैं। हमने जो डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा था वॉटसन और क्रिक का, उसमें हमने देखा था कि ये जो हैं दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो ये 3-2-5- होगी, बस तुम्हें ये लिख देना है। इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच वन विल बी द लीडिंग स्ट्रैंड, लेबल इट स्ट्रैंड ए। तो हमें लीडिंग स्ट्रैंड बताने के लिए देखना पड़ेगा कि रेप्लिकेशन कैसे कैसे हो रही है। तो इस स्ट्रैंड में क्या है? 5-2-3- होगी तो इस तरफ होगी और इसमें उल्टी होगी। ठीक है, तो इसमें तो कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती जाएगी, ये खुलता जाएगा होती जाएगी, लेकिन इसमें वो जितना खुलेगा उतनी उतनी ब्रोकन सिंथेसिस होगी, डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड है ए और ये स्ट्रैंड है बी। ठीक है, बी तुमसे पूछा है विच वन विल बी द लैगिंग स्ट्रैंड, नेम इट स्ट्रैंड बी। तो जो नीचे वाला है वो लैगिंग स्ट्रैंड है तो उसका नाम हो गया बी। इसके बाद तुमसे पूछा है ड्रॉ विद अ ब्लैक पेन द प्राइमर्स एंड मार्क इट्स ओरिएंटेशन। तो जो प्राइमर्स हैं वो मैंने तुम्हें बताया था कि जो रेप्लिकेशन है या फिर कोई भी हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, वो सीधा शुरू होना मुश्किल होती है, तो उसके लिए कुछ प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमर्स क्या होते हैं? एक ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड्स का कि स्टार्ट कर सके, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है उसके बाद। तो ठीक है, प्राइमर में एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो जैसे ये एक प्राइमर है तो ये स्टार्टिंग पे कुछ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये नहीं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगी तो प्राइमर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये है प्राइमर्स। इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन मार्क करनी है। इसकी ओरिएंटेशन भी क्या होगी? जो इस स्ट्रैंड की होगी 5-2-3। ठीक है, इसकी भी 5-2-3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि ड्रॉ एंड लेबल पॉलीमरेज एंजाइम, ये हम कर लेंगे अभी। इसके बाद ड्रॉ एटलीस्ट 3 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये जो ग्रीन वाली है ये क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये हमने 3 बना दी। इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि ये फॉर्क की शेप का है ना, इसलिए इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। इसके बाद लाइगेज का फंक्शन बताना है।
वो हम अभी करेंगे। इसके बाद मार्क विद एरोज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इन ईच स्टैंड, वो हमने मार्क कर दी, यही डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, हर स्टैंड पे। इसके बाद टोपोमरेज एंजाइम, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमें बचा है कि हम हेलिकेज का रोल बताएं और पॉलीमरेज को बनाएं और उसका रोल बताएं, लाइगेज का बताएं और टोपो आइसोमरेज का बताएं। तो इसके लिए ये चार रोल बताने हैं हमको। इसके लिए हम इस पे आएंगे जो हमें इकबाल मैम ने पढ़ाया था। सबसे पहले हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज एक एंजाइम है जो डबल हेलिक्स को अनवाइंड करेगा, ठीक है। तो हमें जब हेलिकेज एंजाइम बनाना होगा तो हम ऐसे ही एक स्ट्रैंड बनाएंगे, कोई भी डबल डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है, और उसके बीच में हेलिकेज लगाएंगे, क्योंकि हेलिकेज जहाँ जहाँ जाता जाएगा ये स्ट्रैंड को खोलता जाएगा, ठीक है, बस ये बनाना है तुमको। इसके बाद टोपो आइसोमरेज क्या होता है, ये टॉर्जन की जो स्ट्रेन है उसको रिलीव कर देता है। कैसे रिलीव कर देता है, कट करता है, उसके बाद ज्वाइन करता है सिंगल स्ट्रैंड या फिर बोथ स्ट्रैंड्स को, ठीक है। टोपो आइसोमरेज का यही काम होता है कि ये स्ट्रेन को या फिर जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर देता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज जो है वो प्राइमर ऐड करता है। तो जब भी हम डीएनए शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक प्राइमेज होगा जो प्राइमर को एंड जो है प्राइमर को क्या करेगा, ऐड कर लेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें प्राइमेज बनाना होगा तो तुम एक शॉर्ट सा डीएनए लोगे और उस पर स्टैंड बना के प्राइमेज बना दोगे। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए बनाएगा, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वन या फिर एक्सो न्यूक्लियस क्या करेगा, जो एक्सो न्यूक्लियस है इसके नाम में एक्सो है तो ये एग्जिट कराएगा, किसको एग्जिट कराएगा, आरएनए प्राइमर्स को, आरएनए प्राइमर्स हमने पहले ऐड किए थे ना, इसको एग्जिट करा देगा ताकि हमारा जो डीएनए है वो पूरा डीएनए का ही हो, उसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ना हो। इसके बाद अगर हम लाइगेज की बात करेंगे तो लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज मतलब लाइगेट करना, लाइगेट मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे जो ऐसे ऐसे थे, ये उनको जोड़ देगा आपस में ताकि हमारे पास ब्रोकन छोटे छोटे डीएनए ना हो, एक बड़ा सा डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पूरा हो ताकि वो किसी काम में आ सके। तो ये जो छः एंजाइम है ये आप ऐसे के ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेना, इनके डायग्राम भी ऐसे ही बना देना। अगर हम इनके एक्चुअल डायग्राम बनाने लगे तो वो ऐसे नहीं होते, उसमें बहुत सारे, जैसे हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े थे ना पिछली क्लास में, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, है ना, वैसे होते हैं इस एंजाइम के स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है तो इसकी बहुत सारी ऐसे लूप होती हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और उनका नाम होता है ए लूप बी लूप, तो वो हम बना नहीं सकते। और अगर हम इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी बहुत सारे अल्फा बीटा ऐसे ऐसे करके और ऐसे होता है इसका। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं इनको स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो जो ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप यही स्ट्रक्चर और यही रोल अपनी कॉपी में सारे एंजाइम का लिख लेना, और जो ज़रूरी है वो डीएनए पॉलीमरेज है और लाइगेज है, इसी में से क्वेश्चन आएगा हमारे एनसीईआरटी से, बस यही है।